ये वो आवे और हमारे खिलाड़ियों को उपस्थित दर्शकों को उत्साह वर्धन से भरने का काम करें। इस महाविद्यालय के सरल सहज और मानवीय मूल्यों से सराबोर प्रधानाचार्य और इस कार्यक्रम की कर रहे अध्यक्षता कैलाश बाबू एक सहज और सरल व्यक्ति रहे हैं। यहाँ आने के पूर्व इनसे भेंट हमारी हुई, सारे प्रिंसिपल्स की मीटिंग गया में थी। जब टिफिन हुआ करता था तो हम लोग दोनों एक साथ बैठ जाते थे, बात करते थे, तो लगता था कि इस आदमी में सहजता और सरलता बहुत है, इसलिए पसंद आया हमें। और यहाँ आने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मैं यहाँ स्टार बन के आ ही जाऊँगा, इत्तेफाक था जो आ गया। फिर इनसे भेंट हुई, वह कंटिन्यू कर रहा है जो विपाद में शुरू हुआ था, इसलिए प्रधानाचार्य महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे आयोजन में बढ़ चढ़ करके अपनी भूमिका अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम के जो स्पोर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, इनको मैंने उतार चढ़ाव देखा है जब से विश्वविद्यालय आया, किस प्रकार किस मुसीबत में स्पोर्ट्स काउंसिल की मीटिंग किया और झंझा बातों के भी स्वीकृत किया, क्योंकि किसी रूप में किसी भी स्टेचुरी कमेटी हो या नॉन स्टेचुरी, उसकी भूमिका हो ही जाती है। तो मत हुआ करता था और सॉफ्ट कॉर्नर रखता था कि कैसे इनकी मदद हो जाए आगे बढ़े। तो आज जो है इस मुकाम पहुँचे हैं, यह दोनों आदमी जयनंदन जी बाद में आए, अच्छे जगह से पढ़े लिखे थे, काम करने वाले आदमी, और फजल साहब को एक हैंड मिल गया, दोनों आदमी मिलकर के अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आप दोनों आदमी सचमुच बधाई के पात्र हैं। और हमारे बड़े भाई आदि साहब जो इतिहास भूगोल को बताया, जो गर्त में छुपी बातें थी उसको भी कुदेर कर निकाला और हम लोगों को जानकारी दिया। और इस महाविद्यालय के सभी विद्वान शिक्षकगण, आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के अवसर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं जो भी यहाँ उपस्थित हों उनको जो है मैं साधुवाद देता हूँ। और यहाँ जो शिक्षकेतर भाई हैं, खेल कूद गतिविधि से जुड़े हुए पीटीआई एवं अन्य लोग हैं, हमारे खिलाड़ी और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए और मीडिया कर्मी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ विश्वविद्यालय की ओर से। और खेल कूद आपको कहता हूँ कि एक स्थापित सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब हमारा फिजिकल स्थिति सही रहेगा तो हमारा मानसिक विकास भी, कंसंट्रेशन भी, हमारा पढ़ाई लिखाई में भी एकाग्रचित्ता ज़्यादा होगी। इसलिए खेल कूद जीवन का एक अनिवार्य अंग है। इसको ऐसे देखा जाए कि जब दुनिया का पहला विश्वविद्यालय एथेंस में एरिस्टोटल और प्लेटो के समय खुला था और उसका नाम था LYCEUM लाइसियम, और उसका ग्रीक वर्ड का मीनिंग था दी एकेडमी, और वहाँ के जो सिलेबी था, जो कोर्सेस ऑफ स्टडी था विभिन्न विषय में कि कैसे एजुकेशन को की शिक्षा दी जाए, तो खेल कूद और व्यायाम एक अहम आयाम हुआ करता था जब एज सच यूनिवर्सिटी सिस्टम की दुनिया में शुरुआत हुई। तो आप देखते हैं कि खेल कूद मानव के जीवन में कितना महत्व है। और आज अपने विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज टूर्नामेंट विभिन्न आयाम खेल कूद के आइटम में हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी फजल साहब ने कहा कि यह तो कीप और छन्ना की प्रक्रिया है, इंटर कॉलेज में जो टैलेंट हमारे बीच आएंगे उसको चिन्हित करके हम इंटर यूनिवर्सिटी के लिए चुनेंगे, जो इंटर यूनिवर्सिटी में छन के आएंगे वो जो है इंटर स्टेट जाएंगे, जो इंटर स्टेट से आज चुन के आएंगे वो नेशनल खेलेंगे, जो नेशनल में बीट करेंगे वो इंटरनेशनल आइटम पर प्रोग्राम में भाग लेंगे। तो खेल जीवन का पढ़ाई लिखाई के साथ एक महत्वपूर्ण आयाम है। आज फुटबॉल का इवेंट यहाँ शुरू हो रहा है, मैं सभी खिलाड़ियों और सभी उपस्थितों को बधाई देता हूँ कि आप लोग बड़े मनोयोग से, आज नहीं ये कार्यक्रम खत्म हुआ और खेल की गतिविधि को भूल गए, रेगुलर जो है आप लोग अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
और अभ्यास ही जीवन को अच्छा बनाएगा। जिसको जिस विधा में टैलेंट है उसको आगे निखरने का मौका मिलना चाहिए। खेल कूद भी जीवन में बढ़ने का एक बहुत बड़ा आयाम है, इसलिए आप लोग उसमें लगे रहना चाहिए। एक दिन के लिए नहीं, सतत अभ्यास की जरूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुल सचिव महोदय का जो उद्बोधन हुआ,